मनुष्य मूल रूप से पंचभूतात्मक है, अग्नि जल वायु आकाश और चक्र। ये पांचों तत्व व्यक्ति में न्यूनाधिक मात्रा में है, किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ ज्यादा है, वे पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है। और भूमि तत्व हमारे शरीर में है, इसलिए हम भूमि से चिपके हुए चल रहे हैं। अगर भूमि तत्व नहीं हो तो हम जमीन से कई हजार फीट ऊपर उठ सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं हो, यदि जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे खत्म हो जाए, हम आकाश में उड़ सकते हैं। और ऐसे भी मंत्र है जिसमें हम भूमि तत्व का लोप कर सकते हैं। भूतों में और मनुष्य में अंतर इतना ही है कि उनमें भूमि तत्व का लोप है और मनुष्य में भूमि तत्व का लोप नहीं है, क्योंकि उनका सारा पिंड या तो हम जमीन में गाड़ देते हैं या अग्नि में जला देते हैं, उनका सारा भूमि तत्व खत्म कर देते हैं। यह भूमि तत्व को विसर्जित करने की क्रिया मूल रूप से वायवीय क्रिया है, जिसके माध्यम से, क्योंकि वायु एक क्षण में पृथ्वी के तीन पूरे चक्कर लगा देते, पूरे पृथ्वी के, जहां हमने ईथर शब्द सुना हो, ये हम जो रेडियो टेलीविजन और टेप रिकॉर्डर सुनते हैं, खासतौर से रेडियो सुनते हैं या टीवी देखते हैं, ये टीवी देखने का मूल तात्पर्य वायु नहीं है, यह पूरे वायुमंडल में फैले हुए ईथर पदार्थ है। अगर आप साइंटिस्ट हैं, आप जानते हो, जानते हुए ईथर शब्द सुना होगा। और ईथर के माध्यम से बिंब आ सकता है जो हम टीवी में देख सकते हैं। उद्घोषिका दिल्ली में बैठी हुई न्यूज पढ़ रही है और हम उसका चित्र यहां देख लेते हैं, सैकड़ों मील दूर उसका चित्र उसी एक क्षण के सौवे हिस्से में यहां बैठे बैठे देख लेते हैं। यह चित्र और बिंब जो आता है वह ईथर के माध्यम से आता है, आवाज आती है ईथर के माध्यम से आती है, और ईथर की गति है सेकंड के सौवे हिस्से में पूरे पृथ्वी के तीन चक्कर लगा दो। और व्यक्ति जिस क्षण भूमि या गुरुत्वाकर्षण का लोप कर लेता है, वह ईश्वरमय बन जाता है, अपने आप एक ईश्वर युक्त बन जाता है। किन तत्वों के माध्यम से हम भूमि तत्व का लोप कर सकते हैं, ये विचार और ऐसे विचार जिन साधनाओं के माध्यम से प्रकट हुए उनको साबर साधना है। साबर साधनाओं में व्यक्ति उन योनियों का सहारा लिया, उनके माध्यम से कार्य संपादन किया, उनका केवल देवताओं को प्राप्त करने, देवताओं को प्रसन्न करने से कुछ नहीं होगा, उन योनियों का भी सहारा लिया जाए। हम अगर अपने जीवन में नौकर रख सकते हैं और नौकर के माध्यम से जीवन को ज्यादा सुखी कर सकते हैं, उन योनियों को भी नौकर के रूप में रखा जा सकता है। ये उन्होंने एक नवी युक्ति निकाली, देवताओं को रखा नहीं जा सकता क्योंकि देवता वासनाओं की पूर्ति में सहायक नहीं। यहां समझ लीजिए थोड़ी बात, मनुष्य की वासनाएं हैं, मनुष्य में इच्छाएं हैं, हमें इच्छाएं हैं, ये होना चाहिए, मकान होना चाहिए, वैभव विलास होना चाहिए। देवताओं में वासनात्मक प्रवृत्ति नहीं होती, जहां वासना नहीं है वहां देना ही देना रहता है, जहां वासना है वहां लेना रहता है, क्योंकि मनुष्य मूल तो उस भोग को जीना चाहता है जिसके माध्यम से वह ज्यादा संपन्न हो सके, ज्यादा ताकतवान बन सके। घटना नहीं है, ऊंची घटना नहीं है, गलत और बेमानी घटना नहीं है, और उसके माध्यम से उसने देखा कि वह जीवन को ज्यादा सुखी हो, उसके जीवन में वह चाहे हम चार नौकरों के माध्यम से काम कराए, पैर दबाए, घर के बर्तन साफ करवा दे, पानी भरवा दे, प्रिंटिंग पेज चलवा दे, या दूसरों के माध्यम से भी कर सकते, वो व्यक्ति देख नहीं रहा है, चल रहा है, सारे जीवन के घर की क्रियाकलाप कर रहे हैं, किसी कोई दोस्त का कुछ नहीं, हमने कोई नियम नहीं तोड़ा, हमने कोई कानून तोड़ा नहीं, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और दूसरी बात यह कि भूत जहां भूषण ग्रहों वहां डरने की कोई जरूरत नहीं है, वहां ठीक वैसी आकृति, वैसा ही रंग रूप जैसा आप और हम हैं, ठीक वैसी है। वे ज्यादा इस प्रयत्न में रहते हैं कि हम मनुष्यों के संपर्क में आए, उनके लिए अनुकूलता प्राप्त करें, उनकी इच्छा रहती। किसी व्यक्ति को भूत लग जाता है, ऐसा हम कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, बिल्कुल साइंटिस्ट दृष्टिकोण वाले उस बात को
मानते वो सारी चीज मेरे सामने आए, मैं तो पूछ सकते थे क्योंकि उसको भूत लगा करके बता सकूंगा कि मैं तुम्हें मुझे पूछा है कि क्या सागर साधना के माध्यम से महाकाली को प्रत्यक्ष किया जा सकता है, ये कहते और मैं कहता हूँ कि हाँ किया जा सकता है और वह सागर मंत्र मैं लिखवा देता हूँ चाहे तो। मगर सावन मंत्र में वेद मंत्र में डिफरेंस है, जिसमें ध्वनि और द्व और मोह के अटक है उसमें कुछ सही नहीं है। बहुत सीधी ऐसी सावन मंत्र तो ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि ये मंत्र है, वो तो सीधे मसाड़ आए, खेलती आई, दौड़ती आई, उड़ती आई, पहाड़ से चढ़ती आई, नीचे उतरती ऐसे बोलते। आपने कभी सावन मंत्र पढ़े हो? बिल्कुल हिंदी भाषा में और पूरा मंत्र पढ़ने का विश्वास होता ही नहीं कि मंत्र ऐसे कुछ सिद्धि मिल सकती है। अगर आप भूत सिद्ध करना चाहते हैं आपको भूत मंत्र दिखा देते पहले महाकाली आप ऐसा ही कहेंगे क्योंकि ये घर में नौकर 200 रुपए 250 रुपए लेने वाले डेढ़ की मिर्जा सारा एक ही सिद्धि हो जाए। महाकाली का साबर मंत्र है ओम नमो काली कंकाली ओम नमो काली कंकाली महाकाली दोनों हाथ बजावे ताली दिखाई मिल रहा सही है। दोनों हाथ बजावे ताली वैताल चरे वैताल चरे भूत प्रेत पिशाच अनुचरे अनुचरे खप्पर भरे कारज सिद्ध करे जो न करे तो महादेव की दुहाई कबद साचा कबद साचा पिंड काचा पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा ईश्वरो वाचा मगर एक बात और ध्यान रहे कि प्रत्येक शब्द अपने आप में मंत्र है। अ से लगा के अ तक कोई अक्षर बोलते हैं तो मंत्र है, बीज भी तो मंत्र है, रीम क्या है। और यदि मैंने एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाया था कि यदि आप में से कोई व्यक्ति खड़ा हो और मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं तो आपको कुछ कहता नहीं और एकदम से आपको माँ की गाली दूँ, आपकी माँ को बुरा भला कहूँ और बहुत गंदी गाली दूँ तो आपको गुस्सा आएगा और वो आप में पैर है तो आप मेरी तरफ आएगा। ये क्यों आया गुस्सा? क्योंकि मैंने एक मंत्र बोला जो गाली तो थी, आप तो गाली कहते, मैं तो उसको मंत्र कहता हूँ क्योंकि मेरा तो उद्देश्य आपको गुस्सा दिलाने का, मैंने आपको गुस्सा दिया। तो अगर गाली भी मंत्र हो सकता है तो ये तो 100% मंत्र है। प्रत्येक शब्द मंत्र है, मेरा साबर मंत्र के बारे में तो कन्फर्म भी नहीं होता कि सारे मंत्र है या इसका रिसर्च हो सकता है, मगर उन मंत्रों से ज्यादा तेजस्वी और प्रभावशाली होती है। इसका प्रमाण ये है, इसका प्रमाण अथवा कि आप सर्प अस्थियों की माला से इस मंत्र का जप कर ले, केवल 5 मालाएं रात्रि को सोते समय रात्रि को 10 बजे के बाद में किसी भी समय काले आसन पर बैठ जाए, काले वक्त धारण कर ले काली धूती और दक्षिण की ओर दक्षिण काले दक्षिण की ओर मुंह
105 मालों की बात नहीं कर सकते, इतना धीरे से बोलते बिल्कुल सामने साक्षात बिगड़े नहीं आएगा, जैसे माँ काली खुद खड़ी हो जाए ऐसा नहीं आ सकता, वो बिंब पूर्ण से सामने साकार आ जाएगा, जैसे ढूंढ रही आप सुन रहे ठीक ऐसा बिगड़ आ जाएगा। अगर देख लो मजबूर काले वस्त्र, काले वस्त्र मतलब काली ये काले वस्त्र इसलिए कि वह विरक्ति का मंत्र है, ये काला रंग जो है विरक्ति का मंत्र है, वैराग्य का मंत्र है, संसार मंत्र है, संसार वस्त्र है, इसलिए काला आसन, काली ज्योति, दक्षिण की अंगू, सब भक्तियों की माला, ये माला गुरु जी मगर इसको ये मैं ऐसा पेजे से ये मंत्र इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आप किसी कंफर्म कभी करना चाहें, महाकाली जैसी सिद्धि को जब 1,25,000 मंत्र जब करने पर बिंब विधान स्पष्ट होता है तो साधो साधना के माध्यम से उसके 500 बार में बिंब विधान स्पष्ट हो जाता है। और आप अपने सामने काली का बिंब प्रत्यक्ष 5 मालों की बात देख सकते, इतना धीरे से बोल बिल्कुल सामने साक्षात बिगड़ नहीं आएगा, जैसे महाकाली खुद खड़ी हो जाए ऐसा नहीं आ सकता, वो बिंब पूर्ण से सामने साकार आ जाएगा, जैसे ढूंढ रही आप सुन रहे ठीक ऐसा बिखर आ जाए। मजबूत काले वस्त्र, काले वस्त्र मतलब काले ये काले वस्त्र इसलिए कि वह विरक्ति का मंत्र है, ये काला रंग जो है विरक्ति का मंत्र है, वैराग्य का मंत्र है, संसार मंत्र है, संसार वस्त्र है, इसलिए काला आसन, काली ज्योति, दक्षिण की अंगू, सब भक्तियों की माला, माला गुरु जी माला माला निकलेगी, दूसरी माला चलेगी। मगर इसको ये मैं ऐसा पेजे से ये मंत्र इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आप किसी कंफर्म कभी करना चाहें, महाकाली जैसी सिद्धि को जब 1,25,000 मंत्र जब करने पर बिंब विधान स्पष्ट होता है तो साधो साधना के माध्यम से उसके 500 बार में बिंब विधान स्पष्ट हो जाता है। यस, इसमें स्फटिक खड़े होकर बात करें, कुंभ का मतलब है कि तस्वीर नहीं, तस्वीर के सामने जैसे आप अंधेरे में आपको हम देख रहे हैं, आप जिंदा हैं और आप चल रहे हैं, आपको बिंब होगा अंधेरे में, बिल्कुल लाइट में तो आप साक्षात हैं, तो अंधेरे में आप हैं वहीं तो बिंब दिखाए, आप जितना मंत्र आप ज्यादा करेंगे उससे भी विधान ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, यह तो 5 की जगह 5 में ही बिंब दिखाई दे जाता, आप 6, 7, 8 करिए, जब तक आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता तब तक आप कर लीजिए 11, 12, 15 मानों की जरूरत है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं, मगर यह अपने आप में एक संसार जागरण मंत्र है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नुकसान कुछ नहीं हो सकता घर में इस मंत्र को जाप कर, मगर ये मंत्र की तेजस्विता बता रहा हूँ, मंत्र में ताकत है वो बता रहा हूँ। बिल्कुल दिखाई देना, बिल्कुल वहाँ काली सामने चलते नहीं कुछ नहीं, केवल 5 मालाएं, एक दिन 2 घंटे की बात है, आप देख सकते हैं, मैं कल यही हुआ रात को करके देख सकते कल में प्रमाण आपके सामने प्रत्यक्ष हूँ, मुझे मालूम है इस मंत्र में ताकत तो मैंने आज में है, इसलिए मुझे मालूम है साबर मंत्रों को जब रचना आएगी, इसलिए मैंने साबर साधना रखना ही नहीं चाहता था शिविर, और मैंने कहा कि बाकी सब शिविर रखते ही थे कि ये शिविर बाकी रह जाएगा, ये भी अपने आप में उतना ही ताकतवान मंत्र है और मनुष्यों के लिए ज्यादा उपयोगी है, इसलिए उपयोगी है उन मंत्रों में
टाइटनेस बहुत है, ऐसा बैठना चाहिए, पुनर्वासन लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, ध्वनि ऐसी होनी चाहिए, ये मालूम है लंबे थोड़े ध्यान है, इसमें विधान बहुत कम है। ये सीधे सरल मंत्र है, तेजस्वी मंत्र है, ताकतवान मंत्र है। और क्यों ताकतवान मंत्र है? आप बैठ जाइए, पीछे आपको असुविधा होती है। इसलिए कि युग के अनुसार मनुष्य परिवर्तित हो गया है, मंत्र परिवर्तित नहीं हुआ, ये डिफरेंस हो गया। सत्ययुग में व्यक्ति का देवत्व ज्यादा था, इसलिए उन मंत्रों का प्रभाव एकदम से ज्यादा होता था, मगर अब मनुष्य में राक्षसत्व ज्यादा बढ़ गया। अब तो यदि सांप अगर आदमी को काट ले तो मनुष्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सांप मर जाएगा, तो मनुष्य इतना ज्यादा जहर है सांप को तरफ करते हैं। और सांप से तो प्रश्न करते हैं कि अरे भाई सांप, तू शहर में गया नहीं कि तुझे इतना जहर कहां से आ गया, लोगों से मिला ही नहीं है, तो साधकों से तो मिला ही नहीं कभी, तुझे जहर आया कहां से, उन लोगों से मिलने पर तो आ जाता, तो विश्वास कर लेते इतना जहर मनुष्य में बढ़ गया है, छल झूठ असत्य कपट कहता कुछ है, करता कुछ है, मन में कुछ और है, कहता कुछ और है, कितना जहर है, हम इस बात की कल्पना नहीं कर रहे, इसलिए हमें पशुत्व ज्यादा है, राक्षसत्व ज्यादा है। जब राक्षसत्व ज्यादा है तो राक्षस मंत्र जल्दी इफेक्टेड हो, ये युग के अनुसार परिवर्तित हो गया है, इसलिए सागर मंत्र जल्दी इफेक्टेड होता है। कारण ये है, ये मंत्र विश्वामित्र के समय में उतने ज्यादा जटिल विधान थे जितने हमारे लिए विनोद मंत्र विधान, विश्वामित्र को बहुत ज्यादा कठिनाई उठानी पड़ी थी इन मंत्रों को शुद्ध करने में, ये मंत्र जल्दी सरल हो जाते थे, क्योंकि उसमें मनुष्यों का एटमोसफियर और वातावरण बैठा था, अब वातावरण वैसा बन गया है, इसलिए उन मंत्रों की अपेक्षा ये मंत्र जल्दी इफेक्टेड हो जाता है। देवता को सिद्ध करना मुश्किल है, भूतों को सिद्ध करना आसान, क्योंकि मनुष्य समान धर्मी बन गया है, वैसा मनुष्य बन गया है, जैसे उनकी प्रवृत्तियां हैं, जैसे उनकी भावनाएं हैं, जैसे उनकी चिंतन है, वैसे बन गया है। हमने तो फिर भी छल कपट की बात रही, उसने तो 12 साल तक छल कपट किया ही नहीं, मैं तो केवल देखना चाहता था जीवन में कि ये भी सिद्ध करके देख लू ऐसा होता है नहीं होता है, ये इंटरेस्ट और मजबूरी हो गई। बाकी तो मैं 4 साल बाद इसको फ्री कर सकता था, मगर मैंने सोचा चल रहा है तो चल रहा है, मेरा तो तकलीफ क्या है, कोई मुझे खाने को मांग नहीं रहा, कोई मुझे कोई नुकसान पहुंचा नहीं रहा, नुकसान में पहुंचाता ही नहीं है, मुझे सेफ्टी करता है, हम असुरक्षित कभी जीवन में होते ही नहीं जब तक वो साफ हो, कार्य तो इससे संपन्न होता ही है, जो भी कुछ माँ से मांगेंगे नहीं होता, केवल प्रत्यक्ष दर्शन, केवल प्रत्यक्ष दर्शन में अगर इससे आप कुछ मांगेंगे तो ये फलप्रद तो है नहीं मंत्र, फलप्रद मंत्र तो अलग है, कार्य से कार्य सिद्धि हो ये कार्य सिद्धि मंत्र अलग है, वो मैंने आपको बताया नहीं है, वो चर्चा आई नहीं है, केवल इसके तो आप उनकी झलक देख सके, स्पष्ट रूप से जा रही है, देख रही है, खड़ी है, आंख पर पल हिल रही है, होंठ हिल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, अब इसमें तो आप देखेंगे तो हिल नहीं रहे कुछ, उसमें जरूर हिलते हुए नजर आएंगे, ठीक मनुष्य उचित, ये डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये हमारे जीवन में इतना भी हम देख लें ये बहुत बड़ी बात है। तो कार्य सिद्धि के लिए तो कार्य को कार्य सिद्धि करने के लिए सावन मंत्र है, मतलब थोड़े तीक्ष्ण ज्यादा है, उसके लिए हमें और ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, मगर उस सावधानी के साथ भी उन कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं, सफलता मिल सकती है, आपका ग्रस्त जीवन मैंने शुरू में कल सुबह बताया था, आज सुबह बताया कि आप 20 साल में जाकर के 20 लाख रुपए से ज्यादा इकट्ठा कर नहीं सकते, संभव नहीं है, व्यापार के माध्यम से और नौकरी के माध्यम से, साधना के माध्यम से संभव, ये अलग बात है कि आपको सही अर्थ में गुरु मिले, और यह गुरु तो नहीं है कि अगर आप किस लालच में आवे कि साबर साधना गुरु जी से सीख लेंगे और फिर से बन जा, ये नहीं, ये मेरा मूल मंत्र भी नहीं, ये मेरा मूल आदर्श नहीं, ये मेरा लक्ष्य नहीं, मेरा मूल लक्ष्य तो आपको साधना को कुछ लेवल पर पहुंचाना है, ऐसे दीयों को बनाना है जो रोक नहीं दे सके समाज को, जिनमें वास्तव में दमखम हो, क्षमता हो, ये जरूरी है साथ में, क्योंकि छल युक्त तो जीवन बहुत है, उस जीवन में कभी कोई तांत्रिक टकरा जाए तो मुश्किल कर लेता है, उस समय आपके पास है प्रभाव, उनका राजन प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, यदि कोई फिर फिर आ ही जाए तो उनको जवाब दे सके कि ठीक है तुम आ जाए तो देखिए, इसलिए मूलतः सारी साधनाओं को हमें देवत्व साथ में रखी और ये साधनाएं भी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने में विशेष रूप से सहायक, और हमारा जीवन का स्तर
पूर्ण तो प्राप्ति करे, क्योंकि जीवन का लक्ष्य तो सुखास में पहुंचना। आप अगर ये कल्पना करिए कि 24 घंटों में आप बिना थके 3 बजे 4 बजे उठ जाते, उठ करके साथ में कर लेते हैं, दिन भर हंसी खुशी के साथ इतना आनंद के साथ व्यतीत होता है, इसको हजार गुना करके सिद्धा सिंह की कल्पना करिए कि कितना आनंददायक जीवन होगा। आप कहीं कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं, जीवन का एक बहुत आनंददायक पहलू जिसको सिद्धा सिंह करते हैं। इससे करोड़ गुना ज्यादा आनंददायक जीवन जो वास्तव में जो जीवन है, जहाँ सिद्ध योगा जी रहे, जहाँ स्नान करने से छोटा रोग समाप्त हो जाते हैं, जहाँ कल्प रखते हैं, जहाँ जो याचना करें वो चीज मिल जाती है, यहाँ बैठे शायद आपको इस पर ऐसी घटना ऐसा कैसे हो सकता है, मगर उस जीवन को तो देखा जा सकता है, देखा है, व्यस्त शिष्य ने देखा है, समय शिष्य ने देखा है, मगर सब कुछ आपके सामने है, ये आपके हाथ में है कि आप उनमें से कितना कुछ प्राप्त कर सकते, अन्यथा ये समय तो बीत रहा है, ये मेरा जीवन और आपका जीवन तो बीत ही रहा है, कुछ महीने 4-6 महीने 8 महीने 10 महीने 2 महीने बाकी रहे, बाकी कोई आपको टकोरेगा नहीं, कोई आवाज नहीं देगा, इस प्रकार से हंसाएगा नहीं, इस प्रकार से खिलखिलाएगा नहीं, इस प्रकार से अपरत्व नहीं देगा, सीने से कोई लगाएगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास देना चाहूँ ऐसा गुरु आपको मिलेगा नहीं, जो आपके हमारे बीच का धड़कन वाला हो, जो हमारे बीच का ही कोई हो, तो भगवान वस्तु पहले वो बहुत ऊंचा तो बन सकता है, उस हिमालय से कोई आनंद नहीं आएगा, उसके अपेक्षित गंगा हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त है, जहाँ स्नान तो कर सकते हैं, शीतल हो सकते हैं, वो गंगा ज्यादा वैल्यू करते हैं, दो से जो बिल्कुल सफेद तक दिखाई दे वो वैल्यूबल चीज नहीं, वो गुरु क्या काम का, जो बहुत दूर से बैठा बैठा बस आशीर्वाद देता है, उससे कुछ क्या लाभ है, जो हमारे दुख समझ सके, हमारी समस्या समझ सके, हमारे बीच में खड़ा हो सके, हमें प्यार दे सके, स्नेह दे सके, अपनत्व दे सके, ऐसी आवाज देने वाला आपको कहने तो आपको आशीर्वाद देता हूँ, जिससे कि आप जीवन में सिद्धा सिंह का मृगाक्ष बिंदु भगवाक्ष विष्णु सिद्धाक्षमोयम परमानंदमुनिन्द्रे आराधिकेयम सर्वार्थ सिद्धिं मां पाहि पाहि सिद्धाश्रम के समस्त ऋषियों मुनियों तपस्वियों योगियों और साधकों की तरफ से, उनके ज्ञान तपस्या के प्रकाश पुंज की तरफ से मैं सभी शिष्यों को आशीर्वाद देता हूँ कि वह सब पुंज आपको प्राप्त हो और आप जीवन में सफलता पाए। महाकाली साधना शिविर कई दृष्टियों से अनुकूल एवं आनंददायक रहा है। इसमें हमने महाकाली के स्वरूप विन्यास और साधना पद्धति को किया है, क्रियात्मक पक्ष से भी, और अन्य विषयों को भी उसमें समझने का प्रयास किया है, मगर साधक और शिष्य इन दोनों ही स्थितियों में धैर्य की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि ये रास्ते, ये साधना पद्धति उतावली का या तुरंत कोई कार्य हो जाए ऐसी ये पद्धति नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। ये साधक ने मुझे आश्वस्त पूछा कि हम इतने दिन से मंत्र जाप कर रहे हैं, महाकाली दक्षिणकाली का मंत्र जाप, ये मंत्र जाप सही हो रहा है या सही नहीं हो रहा है, या इससे कुछ सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी क्या कसौटी है, इसका क्या परिणाम है, कैसे हम अनुभव करें। और मैं सोचता हूं इस प्रश्न को मैंने इसलिए उठाया है, ये प्रश्न उसका ही नहीं है, आप सब लोगों का, मेरा सबका प्रश्न होगा कि क्या ये सब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी भी अन्य कार्यों में, मकान बनाने के कार्य में या
आटा पीसने के कार्य में, रोटी बनाने के कार्य में, तो आप जितना कार्य करते जाते हैं उतनी ही परिमाण में आपको वस्तु दृष्टि गोचर होती रहती है। आप रोटी बनाए, चार रोटी बनाएंगे तो फिर चार रोटी टिकी हुई दिखेगी, फिर पांचवी दिखेगी, फिर छठी दिखेगी, जितना करते रहेंगे उतनी दिखती रहेगी। मकान बनाएंगे तो आप चार ईंटें रखी तो दिखेगी, फिर पांचवी ईंट रखेंगे तो थोड़ी दीवार और ऊंची ऊंची दिखी देगी, छठी सातवीं आठवीं। मगर साधना पद्धति शून्य से पूर्ण के बीच की किसी स्टेज को हम देख नहीं सकते। साधना में ऐसा बायोमीटर नहीं लगा है कि आपने दो नाम मंत्र जाप किए तो उत्तर दिखाई दे, फिर आपने दो मालाएं की दो मालाएं दिखाई दे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यदि आप एक स्टोव पर पानी गर्म रखते हैं, पानी गर्म करने के लिए, और पानी 100 फॉरेनहाइट पर गर्म होता है, उबलने लगता है, पानी का जो उबलना है वो तब हो पाता है जब पूरे 100 फॉरेनहाइट पर आंच उसको मिले पानी को। यदि उसको शुरू में जब आंच लगाते हैं तो 20 फॉरेनहाइट आंच मिलती है, पानी उबलता नहीं, 25 होती है तब भी उबलता नहीं। जबकि हम देखने के इस प्रकार से अभ्यस्त हैं कि पहले 25 जितना उबल के दिखाई दे, अगर 25 फॉरेनहाइट गर्म किया तो उतना दिखना चाहिए, इतना उबलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। 99.9 तक अगर फॉरेनहाइट पहुंचती है तभी पानी उबलता नहीं है, क्योंकि विज्ञान का तो नियम है कि पूरा 100% 100 पॉइंट पहुंचेगा तभी उबलेगा, नहीं उबलेगा। 0.01% से पहले नहीं उबलेगा, उसके बाद तुरंत उबलेगा। ये साइंस का एक विज्ञान का नियम है कि जिस बिंदु तक गर्मी पहुंचेगी उस बिंदु तक पहुंचने पर ही वह पानी उबलता हुआ दिखाई देगा, उसके एक पॉइंट नीचे भी नीचे तक, अब उसके बाद 2 मिनट का डिफरेंस है सिर्फ, मगर फिर भी वो पानी उबलता हुआ दिखाई नहीं देगा। साधना पद्धति का भी यही है, एक निश्चित समय तक, एक निश्चित स्थिति तक मंत्र जाप कंप्लीट होने पर या साधना होने पर ही या तो उसकी सिद्धि मिल जाएगी या प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे, उसके एक पॉइंट नीचे तक भी आप हैं तो कोई अनुभूति नहीं हो जरूर नहीं है। ये पानी उबलता हुआ दिखाई दे जरूर नहीं दिखाई देता, ठीक वैसा ही पानी जैसा देखती में रखा था वैसा ही पानी शांत दिखाई देता है, कुछ उसमें उबड़ खाबड़ या उतावलापन या ऊंचा नीचापन या उतार चढ़ाव दिखाई देता ही नहीं, दिखाई तब देता है जब ठीक उस पॉइंट पर पहुंच जाता है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।